नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव, आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो, इस वीडियो में देखना है गियर मेजरमेंट। इसके पहले मैंने मेट्रोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स है जो डिप्लोमा या डिग्री के सिलेबस में इंक्लूड है, उसके सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। एक चैप्टर रिमेनिंग था जो मैंने बनाया नहीं था। तो ये चैप्टर में बेसिकली कंटेंट क्या क्या है, मैं वो पहले बता देता हूँ कि पहले आपको क्या करना है कि गियर टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन से कुछ, जैसे बेस सर्कल क्या होता है, पिच सर्कल क्या होता है, पीसीडी क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, ये सारा ये टर्मिनोलॉजी में देखना है। फिर उसके बाद आपके आते हैं कि आपका जो टूथ थिकनेस होता है वो कैसे मेजर करना है वो देखना है। फिर उसके बाद आता है पार्किंसन गियर टेस्टर, वो आपको बेसिकली 4 मार्क के लिए आता है। वो एकदम सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आती है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन था। तो बेसिकली गियर क्या होते हैं ये पता होने चाहिए आपको। आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक स्पर गियर है। गियर का मेन पर्पज़ क्या है मैं वो आपको पहले बता देता हूँ कि गियर एक पॉजिटिव ड्राइव है, जहाँ पे वो क्या करता है, आपको पावर ट्रांसमिट करता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को। ठीक है, गियर के अलग अलग टाइप है, जैसे कि स्पर गियर है, हेलिकल गियर, हेरिंगबोन गियर है, डबल हेरिंगबोन गियर है, वॉम व्हील है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। वो टाइप्स आपको इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गियर के मेन फंक्शंस क्या है और गियर के जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसमें अगर प्रॉब्लम आता है कि उसमें अगर कुछ कंसिडर करिए कि आपके बैकलैश एक टर्मिनोलॉजी है। बैकलैश मतलब क्या, जब दो गियर एक दूसरे को मेश होते हैं, कंसिडर करो ये दो गियर है, ये क्या हो गए, एक दूसरे को मेश हो गए। लेकिन ये मेश होते टाइम इस दोनों के टीथ में अगर कुछ थोड़ा सा गैप है तो वो क्या कहते हैं, उसको बैकलैश करते हैं। और जब आपके गियर मूव होंगे तब क्या होगा, वो मेट होते टाइम तो वो क्या करेंगे, नॉइज़ क्रिएट करेंगे। उसको उसका बैकलैश की वजह से आपके गियर में क्या होता है, नॉइज़ क्रिएट होता है। ऐसे मतलब एक एक टर्मिनोलॉजी के आपके गियर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है वो भी इस चैप्टर में देखना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा क्या आप बता सकते हो। थैंक यू।